Hello everyone, welcome to Studious Aura. Today in this video we will learn about biomedical waste management. So what all are these things? These are the biomedical waste management bins. ये bins हैं जो कि color coded हैं, which are red, yellow, blue and black. And at the right side you can see a sign which is of biohazard sign, जो कि हमारे सारे bins पर लगा होता है for the biomedical waste management. ये बताने के लिए that this waste is from the hospital settings, this waste is biomedical waste and this can be infectious too. Okay, so now what is biomedical waste? देखते हैं. So biomedical waste means any solid or liquid waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animal. कोई भी waste जो किसी भी human being या animal के diagnosis या treatment के लिए use होता है, that is biomedical waste. By the name suggest, bio means biological and medical means which the waste generated from the medical settings. कोई भी waste अगर हमारी medical settings से, हमारे hospital, clinics से जनरेट होता है किसी भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड द बायोमेडिकल वेस्ट. ओके, आई थिंक यू गॉट इट. सो बायोमेडिकल वेस्ट बहुत टाइप का हो सकता है, लाइक द ब्लड बैग्स हो सकते हैं, आपके ब्लड वैक्यूटेनर्स हो सकते हैं, एंड द ट्यूबिंग्स, आईवी सेट्स, नीडल एंड ऑल. तो ये सारे ही आपके बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट, अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल नहीं करते हैं प्रॉपरली, अगर इन्हें प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है या मैनेज नहीं किया जाए, तो क्या होगा? ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, एनवायरनमेंट को भी ये पॉल्यूट कर सकता है. बिकॉज यू नो दैट जो भी वेस्ट हॉस्पिटल में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ इन्फेक्शियस एंड दैट इज़ रिस्की फॉर द ह्यूमन हेल्थ. सो इसे हैंडल करना, ट्रीट करना और मैनेज करना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसीलिए हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं. इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज़ में अराउंड 1 to 5 केजी पर बेड पर डे ऑफ वेस्ट जनरेट होता है एवरी डे. बट इन इंडिया दिस इज़ अबाउट 1 to 2 केजी पर बेड पर डे विद वेरिएशन अमंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स. आउट ऑफ टोटल BMW जनरेटेड इन इंडिया, लेस देन 57% वेस्ट अंडरगोज प्रॉपर डिस्पोजल. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया में जितना भी BMW जनरेट हो रहा है, उसमें से 57% से भी कम है जो कि प्रॉपर जिसका डिस्पोजल हो रहा है. तो मतलब जो बाकी जो वेस्ट बच रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस हो सकता है. ओके, सो फॉर दैट रीज़न द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज़ रियली नेसेसरी. It is the duty of every owner of an institution generating biomedical waste, which include hospital, nursing home, clinic dispensary, veterinary institutions, animal house, pathological laboratories, blood banks, etc. तो ये सारी जगह यहाँ पे जितना जो भी waste generate होता है, ये उस institute के owner की duty है कि वो उसे वो उसका मैनेजमेंट का ध्यान रखे. बाय वॉट एवर नेम कलेक्टेड टू टेक ऑल दी स्टेप्स टू इंश्योर दैट सच वेस्ट इज हैंडल विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. सो अब जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होना है, ये भी इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी ह्यूमन की हेल्थ को भी एडवर्स इफेक्ट मतलब अफेक्ट ना करे और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट ना करे. इट मीन्स कि जो लोग मैनेज कर रहे हैं इस बायोमेडिकल वेस्ट को, तो उनकी भी मतलब उनकी हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है. ठीक है, बिकॉज देयर सेफ्टी इज एज नेसेसरी एज आर्स. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट एम्स. व्हाट आर द एम्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज तो कर लेंगे, बट क्यों करना है? एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके लिए? ओके, सो द एम ऑफ any healthcare setting is to provide health service to its patient without any complication and suffering. हर कोई institution, कोई भी hospital, कोई भी clinic यही चाहता है कि हम अपने patients को treat करें और कोई भी complications ना आए, हम उन्हें further infection provide ना करें. Okay, तो hospital acquired infection बहुत ज़्यादा common हो जाते हैं अगर हम biomedical waste को manage नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि biomedical waste जो होता है वो infectious होता है, ये human health को affect कर सकता है. तो अगर इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन कि जो भी पेशेंट्स उस एरिया में एडमिटेड हैं या फिर
एज अ आउट पेशेंट वो लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्हें फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, जिस इन्फेक्शन के साथ वो आए तो नहीं थे बट वो इन्फेक्शन वो साथ में लेकर जाएंगे. सो फॉर दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द बायोमेडिकल वेस्ट. ओके देन देर आर सम टाइप्स ऑफ वेस्ट. वॉट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट? majority of waste produced in health care facilities is non-hazardous waste. बहुत सारा waste तो non-hazardous होता है जिससे हमें कोई problem नहीं होती, but only a small percentage is harmful waste that needs to be properly treated so that it is rendered harmless. तो बहुत थोड़ा सा ऐसा waste होता है जो कि harmful होता है, तो उसे properly हमें manage करना है, proper treatment करना है उसका, so that ये हमें harm ना करे. As per WHO, WHO के अकॉर्डिंग the total amount of the waste generated by healthcare activities about 85% is general. तो 85% general waste होता है जो कि harm नहीं करता है किसी को भी, non-hazardous waste है, and remaining the 15% is considered hazardous material. वो infectious हो सकता है, toxic हो सकता है और radioactive भी हो सकता है. Okay, so in this picture you can appreciate that the large proportion, the 85% is non-hazardous waste, then the radioactive and toxic and heavy metals is 1%, sharp waste 1%, then chemical, pharmaceutical and all waste are 3%, and then the remaining 10% it is the infectious waste. Okay, देन वट आर दी सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? तो बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इसके? सो इसके दो टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं, माइनर सोर्स और मेजर सोर्स. माइनर सोर्स कहाँ से? जहाँ से वो कम प्रोड्यूस हो रहा है थोड़ा, लाइक क्लिनिक्स हो सकते हैं, डेंटल क्लिनिक्स, कॉस्मेटिक केयर्स, होम क्लिनिक्स, पैरामेडिक्स, फ्यूनरल सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट एड रूम्स ऑफ स्कूल. तो यहाँ पर जो है वो कम वेस्ट प्रोड्यूस होता है और इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस भी नहीं होता है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट minor sources. Then there are some major sources like hospitals, secondary tertiary hospitals, जहाँ पे patients बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही rare conditions के साथ भी आते हैं, traumatic patients भी होते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा like anatomical waste हो सकता है and needles and all, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. Then laboratory में तो आपको पता ही है कि हमारे blood samples, urine samples, stool samples, sputum, these all are the infectious things. ओके देन रिसर्च सेंटर्स में हो सकता है, एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम, मॉर्चरीज, ऑटोप्सी सेंटर्स. तो ये हमारे मेजर सोर्स हो सकते हैं फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट. देन व्हाट आर द गोल्स ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? सो गोल्स आर टू रिड्यूस द इन्फेक्शन. सबसे पहले हमें हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर ही इसीलिए रहे हैं सो दैट वी कैन रिड्यूस द इन्फेक्शियस हजार्डस नेचर ऑफ द वेस्ट. वेस्ट को हमें, जो इन्फेक्शियस वेस्ट था उसे हमें उसका इन्फेक्शन नेचर ही हटाना है. देन वेस्ट का वॉल्यूम कम करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को कम कर देना है हमें. देन फिर इसका मिसयूज़ और अब्यूज़ हमें प्रिवेंट करना है. मिसयूज़ या अब्यूज़ कैसे? लाइक आईवी ट्यूबिंग्स हो गई या फिर सिरिंजेस हो गए. सिरिंजेस को आपने देखा होगा कभी भी, सिरिंजेस और को तोड़ के फेंका जाता है या आईवी ट्यूबिंग्स को काट के फेंकते हैं. तो व्हाई वी आर डिस्कार्डिंग लाइक दिस? ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके. लाइक ग्लव्स को भी हम लोग जो है कट करके देन वी डिस्कार्ड इट सो दैट इसका मिसयूज़ ना हो, इसका रीयूज़ ना कर सके कोई, विच इज़ टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फर्दर. देन टू इंश्योर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द हेल्थ वर्कर्स. जितने भी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी इन्फेक्शन, उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं. देन टू रिड्यूस द आइटम्स दैट कैन बी ऑफ रिपीट यूटिलिटी. टू रीयूज़ द आइटम्स. उन आइटम्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं जो कि बार बार हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, लाइक ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे हम कुछ चीज़ों को रीयूज़ भी कर सकते हैं जो कि रीयूजेबल हैं. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? सो देयर आर सेवरल स्टेप्स. फर्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, देन कलेक्शन एंड स्टोरेज, देन पैकेजिंग ऑफ दैट, देन ट्रांसपोर्ट, देन ट्रीटमेंट, देन डिस्पोजल, देन मेंटेन द रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, एक्सीडेंट्स एंड फॉलोअप.
So for the first, we will read about segregation of biomedical waste, which is a solid biomedical waste. So you can see here there are five types of bin: black bin, red, yellow, blue, and the white. So we'll discuss now biomedical waste segregation. Segregation हम करते कैसे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फाइव टाइप्स के बिन हैं. फर्स्ट ब्लैक बिन. सबसे पहले तो हम सेग्रीगेशन कर क्यों रहे हैं, ताकि हम हर टाइप के जो इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है उन्हें सेपरेट कर सकें, ताकि जो उनका फर्दर ट्रीटमेंट है वो ईजी हो जाए और इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें. सो ब्लैक बिन में हम क्या डालते हैं, मोस्टली ब्लैक बिन में जाता है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, विच इज़ सॉरी देन जनरल वेस्ट. नॉन इन्फेक्शियस होता है लाइक रैपर्स, पेपर, टिश्यू, किचन वेस्ट. दीज आर दी नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जो कि हम ब्लैक बिन में डालते हैं. सो द 85% ऑफ वेस्ट विच इज़ नॉन इन्फेक्शियस एंड द जनरल वेस्ट, इट इज़ थ्रोन इन टू ब्लैक बिन. देन द रेड बिन देर इज द कंटेमिनेटेड वेस्ट, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग्स, आई वी ट्यूबिंग्स, ओके, ग्लव्स, आई वी ट्यूब्स एंड कैथेटर्स, सिरिंजेस विदाउट नीडल. रिमेंबर, सिरिंजेस विदाउट नीडल वी थ्रो इन टू द रेड बिन, बिकॉज नीडल हमारी कहाँ जाएगी मैं भी बताऊँगी. देन यूरो बैग एक्सेट्रा. सो जो भी कंटेमिनेटेड वेस्ट होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, वो हमारा रेड बिन में जाएगा. देन इन द येलो बिन, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट, ब्लड स्टेन वेस्ट एंड ड्रेसिंग्स, कॉटन, ये सारी चीज़ें हमारी येलो बिन में जाएगी. जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है ना, वो सारा येलो बिन में जाएगा. ब्लड स्टेन जो भी चीज़ें हैं वो सब येलो में. ओके, देन इन द ब्लू बिन, द ग्लासवेयर्स, मेटालिक बॉडी, इम्प्लांट्स, कंटेमिनेटेड और ब्रोकन ग्लास, जितनी भी ग्लास की चीज़ें हैं, दैट इज टू बी थ्रोन इन टू द ब्लू बिन. देन द वाइट पंचर प्रूफ, ये भी आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, इट इज़ द पंचर प्रूफ. एंड इसमें हम डालते हैं वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग द मेटल्स, नीडल्स, सिरिंज विद फिक्स नीडल या ब्लेड एक्सेट्रा. तो मैंने कहा था कि जो हमारी सिरिंज है विदाउट नीडल वो कहाँ जाएगी, रेड बिन में. तो उसकी जो नीडल है वो कहाँ जाएगी, दैट इज़ इन वाइट पंचर प्रूफ बॉक्स. ओके, और इसमें जो सिरिंजेस, किसी किसी सिरिंज में क्या होता है कि फिक्स नीडल होती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो फिक्स नीडल वाली जो सिरिंजेस होती हैं, लाइक क्लेक्सिन कभी आपने दिया हो तो आपने देखा होगा, उसमें प्री प्रिपेयर्ड आता है सर, फिक्स नीडल होती है. तो वो हमारा कहाँ जाएगा, वाइट पंचर प्रूफ में ही जाएगा. ओके, सो जो भी शार्प्स हैं वो वाइट पंचर प्रूफ में. सो ये सारे आपके हो गए सेग्रीगेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट. सो सेग्रीगेशन करने से मेनली इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको सारा बता दिया, येलो में एनाटॉमिकल वेस्ट एंड ऑल, जो भी आपके एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, देन रेड पंचर प्रूफ, ब्लू एंड ब्लैक पिन के बारे में. सो इसके जो फर्दर स्टेप्स है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक्स अगेन.